पंजाब की सियासत में आज शर्मसार करने वाली घटना हुई, जहां मानसून सेशन के आखिरी दिन कांग्रेस विधायक तरलोचन सिंह सूंद ने बादल सरकार के मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया पर जूता फेंक दिया। दरअसल आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। सोमवार से डेरा जमाए कांग्रेस विधायक सदन की कार्यवाही शुरू होते ही शोर मचाने लगे और नारेबाजी करने लगे। कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस विधायक दल के नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब के हालात पर बहस की मांग की। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर दोबारा बहस कराने की मांग की, लेकिन स्पीकर ने इसे नामंजूर कर दिया, जिसके बाद हुए हंगामे के चलते प्रश्नकाल और शून्यकाल स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों का हंगामा नहीं रुका, जिसके बाद स्पीकर ने विधेयक पारित कराने शुरू कर दिए। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने बिलों की प्रति फाड़ कर स्पीकर के आसन की ओर फेंकना शुरू कर दिया। विधानसभा में खालसा विश्वविद्यालय बिल सहित 20 बिल पास कर दिए गए। इस बीच विधानसभा की मर्यादा उस समय तार तार हो गई जब कांग्रेस विधायक तरलोचन सिंह ने मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया पर जूता फेंक दिया। वही इस मसले पर तरलोचन सिंह सून ने कहा है कि जूता उन्होंने ही फेंका था, लेकिन उन्होंने जूता मजीठिया की तरफ नहीं बल्कि शिरोमणि अकाली दल के विधायक विरसा सिंह वलटोहा पर फेंका था, जो गलती से मजीठिया को लग गया। वैसे जूता फेंकने का ये मामला कोई नया मामला नहीं है, लेकिन विधानसभा में इस तरह की घटना का खुना सदन की गरिमा को तार तार करता है। देखते रहिए टीवी लाइव।